गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर चलिए आज के आजिटोरियल वकेबलरी की शुरुआत करते हैं आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया है वो फाइनेंस से मोटिवेटेड है इकोनॉमी पे पे बेस्ड है आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है हमारा जो केंद्रीय बैंक है उन्होंने जो अपने रे, रेट होते हैं अपने रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट जो सारे रेट्स होते हैं दरें होती है उनको अनचेंज रखा है कोई भी उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है तो ये सारी बातें कही गई है इंपॉर्टेंट टेटोरियल है पढ़ लीजिएगा इसका हेडिंग आप देख ही रहे हैं स्टेइंग अकोमोडेटिव ऑन आई कीपिंग इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज तो चलिए शुरुआत करते हैं वकेबले की आज का पहला वर्ड है वकेब्लरी का अपसर्ज अपसर्ज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है अपसर्ज का मतलब होता है किसी भी चीज में अचानक से वृद्धि हो जाना बढ़ोतरी हो जाना उमड़ पड़ना या लहर होना किसी तरह की उसको बोला जाता है अपसर्ज

का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिति जो समझने में एकदम आसान हो सुस्पष्ट हो साफ हो उसे बोला जाता है अनएम्बिग्यूस इफ यू डिस्क्राइब अ मैसेज और कमेंट एज अनएम यू मीन दैट इट इज क्लियर एंड कैन नॉट बी अंडरस्टूड रॉन्गली दैट इज कॉल्ड अनएम्बिग्यूस इसके सिनोनिम्स है अनईक्वी क्लियर और एक्सप्लिसिट। अन एकवीवोकल क्लियर और एक्सप्लिसिट इसके सिनोनिम्स हैं एंटोनिम्स हैं एम्बिग्युस इनडेफिनेट और ऑप्सक्योअर एम्बिग्यूस इनडेफिनेट और ऑप्सक्योअर इसके एंटोनिम्स हैं अनएम्बिग्युअस वर्ड के अगला शब्द है हमारे पास प्रोलोंग प्रोलोंग यहाँ पे वर्ब वर्ब की तरह यूज हुआ है प्रोलोंग का मतलब होता है Uh, किसी भी चीज को टालते रहना बढ़ाते उसकी अवधि बढ़ाते रहना या ऐसा कोई काम या ऐसा कोई प्रोसेस जो काफी लंबी समय तक चले लंबी अवधि तक चले दीर्घकालीन होना उसको बोला जाता है प्रोलोंग टू प्रोलॉन्ग समथिंग मीन्स टू मेक इट लास्ट लॉन्गर दैट इज कॉल्ड प्रोलॉन्ग प्रोलॉन्ग के सेनॉनिम्स है एक्सटेंड लेंथन और प्रोट्रेक्ट एक्सटेंड लेंथन और प्रोट्रेक्ट इसके सिनोनिम्स हैं एंटोनिम्स है कॉन्ट्रैक्ट शॉर्टन और अबेट Contract, shorten or abate. इसके हैं. के अगला शब्द हमारे पास ramp up. Ramp up यहां पे की तरह हुआ है. है का मतलब होता किसी भी चीज़ में बड़ी तेज़ी के साथ वृद्धि होते रहना बढ़ोतरी होना उसे बोला जाता है ramp up. हम बोल सकते हैं बोलस्टर और स्ट्रेंथन या हम बोल सकते हैं बिल्ड एक्सेलरेट और एनहांस Build, accelerate और enhance इसके सिनोरिम्स हैं एंटोनिम्स हैं अब्रिज अबेट और सीज अब्रिज अबेट और सीज इसके एंटोनिम्स हैं रैम्प अप वर्ड के अगला शब्द है हमारे पास कॉग्निजेंट कॉग्निजेंट यहाँ पे एजेक्टिव की तरह यूज हुआ है कॉग्निजेंट का मतलब होता है कोई भी बात या कोई भी किसी की बा, किसी बात के बारे में हमें जानकारी होना पहले से ही नॉलेज होना जानकारी होना या किसी बात का हमारे संज्ञान में होना उसको बोला जाता है कॉग्निजेंट हैविंग और शोइंग नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग और रियलाइजेशन और परसेप्शन दैट इज कॉल्ड कॉग्निजेंट कॉग्निजेंट के सिनोनिम्स है अवेयर कॉन्शियस और माइंडफुल अवेयर कॉन्शियस और माइंडफुल इसके सिनोनिम्स हैं एंटोनिम्स है अन अवेयर इनकॉग्जेंट और एक्सीडेंटली अन अवेयर इनकॉग्निजेंट और एक्सीडेंटली इसके एंटोनिम्स हैं कॉग्निजेंट वर्ड के

you can use tidings to refer to news that someone tells you that is called tidings iske synonyms hain news information or report news information or report iske synonyms hain antonyms hain ignorance or silence ignorance or silence iske antonyms hain tidings word ke अगला शब्द हमारे पास deterrent. डेटेरेंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है डेटेरेंट वर्ड का मतलब होता है किसी को डरा धमकाकर कोई काम करने से रोकना डरा दर, कर रोकने वाला धमकाने वाला उसको बोला जाता है डेटेरेंट डेटेरेंट इज समथिंग दैट प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम डूइंग समथिंग बाय मेकिंग देम देम अफ्रेड ऑफ व्हाट विल हैपन टू इफ दे डू इट दैट इज कॉल्ड डेटेरेंट इसके सिनोनिम्स है इम्पेडिमेंट हेंडरेंस और ऑब्स्टेकल इम्पेडिमेंट हेंडरेंस और ऑब्स्टेकल इसके सिनोनिम्स से नॉनिम्स है एनकरेजमेंट इंसेंटिव और कैटलिस्ट अनकरेजमेंट, इंसेंटिव और कैटालिस्ट इसके एंटोनिम्स हैं डेटेटेंट वर्ड के अगला शब्द है हमारे पास क्लेमर क्लेमर यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है क्लेमर का मतलब होता है किसी भी चीज की जोरदार मांग उठाना जोरदार मांग करना किसी चीज के लिए उसको बोला जाएगा इंग्लिश में क्लेमर इफ पीपल आर क्लेमरिंग फॉर समथिंग दे आर डिमांडिंग इट्स इन अ नॉइजी और एंग्री वे दैट इज कॉल्ड क्लेमर क्लेमर के सिनोनिम्स है अपरोर कमोशन और आउटक्राई कमोशन और आउटक्राई इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हैं पीस साइलेंस और क्वाइट पीस साइलेंस और क्वाइट इसके एंटोनिम्स हैं क्लेमर वर्ड के अगला शब्द हमारे पास वल्नरेबल वल्नरेबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वल्नरेबल का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति या ऐसी कोई बात ऐसा कोई पर्सन जो बेहद नाजुक हो कमजोर हो बहुत ज्यादा संवेदनशील अति संवेदनशील होना जिसे आसानी से फिजिकली या मेंटली नुकसान पहुंचाया जा सके उसे बोला जाता है वल्नरेबल इफ अ पर्सन एनिमल और प्लांट इज वल्नरेबल टू अ डिजीज दे आर मोर लाइकली टू गेट इट एनिमल्स और प्लांट्स दैट इज कॉल्ड वनरेबल वनरेबल के सेनोनिम्स है एक्सपोज ससेप्टिबल और अनप्रोटेक्टेड एक्सपोज ससेप्टिबल और अनप्रोटेक्टेड इसके सेनोनिम्स है एंटोनिम्स है सेफ स्क्योर और इनवनरेबल सेफ स्क्योअर और इनवनरेबल इसके एंटोनिम्स है वनरेबल वर्ल्ड के अगला शब्द हमारे पास वेग वेग यहाँ पर एजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वेक का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति या ऐसी कोई बात जिसके बारे में अस्पष्टता हो धुंधलापन हो जो ठीक ढंग से समझ ना आए या अनिश्चित होना उसे बोला जाता है वेक इफ समथिंग रिटर्न और स्पोकन इज वेक इट डज नॉट एक्सप्लेन और एक्सप्रेस थिंग्स क्लियरली दैट इज कॉल्ड वेक वेक के सिनॉनिम्स है अनक्लियर इनडेफिनेट और हैजी अनक्लियर इनडेफिनेट और हैजी इसके सिनोनिम्स है एंटोनिम्स है क्लियर डेफिनेट और स्पेसिफिक क्लियर डेफिनेट और स्पेसिफिक इसके एंटोनिम्स हैं वेग वर्ड के अगला शब्द है हमारे पास रेपलनिश रिप्लेनिश यहां पर वर्ब की तरह यूज हुआ है रिप्लेनिश वर्ड का मतलब होता है जैसे किसी को किसी सामान का कोई स्टॉक खत्म हो जाता है तो उसको पुनः सप्लाई कर देना यहाँ बात कही गई है कोविड वैक्सीन की कि यदि खत्म हो जाता है तो उसका पुनर्भरण करते रहना भर देना दोबारा से उस भंडार को उस स्टॉक को दोबारा से भर देना उस कंटेक्सट में इस वर्ड का यूज हुआ है रिप्लेनिश का इफ यू रिप्लेनिश समथिंग यू मेक इट फुल और कंप्लीट अगेन दैट इज कॉल्ड रिप्लैनिश रिप्लेनिश के सिनोनिम्स है रिफिल फिल और सप्लाई Refill, fill और सप्लाई इसके सिनट डिप्लीट ड्रेन और वेस्ट इसके एंटोनिम्स हैं रिप्लेनिश वर्ड के अगला शब्द है हमारे पास एडमट एडमंट यहाँ पे एब्जेक्टिव की तरह यूज हुआ है ए यहाँ पे साइलेंट है ध्यान रखिएगा एडमंट यहाँ पे एजेक्टिव की तरह यूज हुआ है एडमेंट का मतलब होता है अपनी बात पर अड़े रहना अपने मत पर अचल रहना अपने डिसीजन पर डटे रहना दृढ़ रहना या हम बोल सकते हैं अड़ियलपन होना अड़ियलता दिखाना उसे बोला जाता है एडमंट इफ समबाउट समथिंग दे आर डिटरमाइंड नॉट टू चेंज याइंड अबाउट इट दैट इज कॉल्ड एडमट एडम के इनफ्लेक्सीबल स्टबर्न और अनयल्डिंग inflexible stubborn और unyielding इसके सिनोनिम्स है एंटोनिम्स है फ्लेक्सिबल यिल्डिंग और पेलिएंट फ्लेक्सिबल यिल्डिंग और पेलिएंट इसके एंटोनिम्स है प्लायेंट है माफ कीजिएगा प्लायेंट है माफ कीजिएगा गलत मैंने अनाउंस कर दिया प्लायेंट है प्लायेंट फ्लेक्सिबल यिल्डिंग और प्लायेंट इसके एंटोनम्स है एडमंट वर्ड के अगला शब्द है हमारे पास एंडेवर और ये एंडेवर वर्ड आज की द हिंदू एडिटोरियल वैकैबरी का अंतिम शब्द है एंडेवर का मतलब होता है भरसक प्रयत्न करना भरपूर कोशिश करना किसी भी काम को करने के लिए कुछ प्राप्त करने के लिए कठिन प्रयास करना भरसक प्रयत्न करना कोशिश करना उसे बोला जाता है एंडेवर इफ यू एंडेवर टू डू समथिंग यू ट्राई वेरी हार्ड टू डू इट दैट इज कॉल्ड एंडेवर एंडेवर के सिनोनिम्स है स्ट्राइव अटेम्प्ट और वर्क स्ट्राइव अटेम्प्ट और वर्क इसके सिनटोनिम्स है सरेंडर इग्नोर और नेगलेक्ट सरेंडर इग्नोअ और नेग्लेक्ट इसके एंटोनिम्स हैं एंडेवर वर्ड के तो एंडेवर वर्ड आज के द हिंदू टिटोरियल वैकेबलरी का अंतिम शब्द था यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपको लगता है कि वीडियो शेयर करने लायक है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलेगा जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी तो आज की द हिंदू डिटोरियल वकेबले में इतना ही इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए बने रही चैनल पर थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग